नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुख करते झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबर की ओर। शहर के बड़े अलीगंज में बुधवार को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर देवकांत ठाकुर, प्रोफेसर डॉक्टर कृपा सिंधु अवस्थी ने दीप प्रज्वलित और हार्मोनियम के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। प्रोफेसर डॉक्टर कृपा सिंधु अवस्थी ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन के इस चिकित्सा पद्धति के अधिकारियों लोगों को लाभ पहुंचाने का संकल्प ले। मौके पर डॉक्टर देवकांत ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में हुआ था। होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के हृदय में मानव कल्याण के लिए तड़प थी, ये पद्धति उसी का परिणाम है। होम्योपैथिक चिकित्सा पैथी से विश्व भर में करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक पद्धति पूर्णतया सत्यता प्रमाण पत्र पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से इलाज कराने पर पूर्ण रूप से रोग से छुटकारा मिल जाता है। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना पुलिस ने मेंटेनेंस केस में वारंटी थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी नूरू जामन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले को लेकर आरोपित पर मेंटेनेंस केस दर्ज है, इसी मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ में वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। पाकुड़ अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने अंचल कार्यालय के पास वाहन जांच अभियान चलाया और इसी क्रम में कई वाहनों की जांच भी की गई। अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कार्यालय के समीप शहर से आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वाहनों में रखे सामान, बैग, डिक्की और व्यक्ति की गहनता से तलाशी ली गई। उन्होंने कहा जांच के दौरान जो भी रिपोर्ट मिलती है उसे जिला को भेज दिया जाता है। प्रशासन का मकसद लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। उन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो चुनाव में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने लोकसभा समन्वय निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए समन्वयालय स्थित कंट्रोल रूम और सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि वीडियो निगरानी की टीमें घूम रही हैं, उनके प्रॉपर लोकेशन लेते रहे। शिकायत कंट्रोल रूम में 1950 सुविधा कोषांग सी विजुअल ऐप पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि निगरानी विशेष ध्यान पर रखा जाए, जनपद में कहीं पर भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समय से निवारण करते हुए शिकायत पंजिका में भी दर्ज किया जाए। कंट्रोल रूम की टीम सतर्क होकर मॉनिटरिंग करे। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने समाहरणालय में बनाए गए सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। पाकुड़ में विद्यालय नेतृत्व विषय पर डायल सभागार में आयोजित जांच 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन बुधवार को किया गया। प्रशिक्षण में शामिल प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी जूही रानी द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया गया। जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में विद्यालय को बेहतर बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। इसमें स्वयं का विकास, मेरे नेतृत्व शैली की समझ, विद्यालय प्रमुख के रूप में प्राथमिक कार्य, निरंतर व्यवसायिक विकास, शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया का रूपांतरण और विद्यालय और शिक्षा का उद्देश्य शामिल था। वहीं बालकों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझना, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समझ, कक्षा में सक्रिय अधिगम का प्रयोग, नवाचार और विद्यालय विकास योजना विषय पर भी चर्चा की गई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी जूही रानी ने कहा कि विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन में प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक, सहयोगी शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावकों, बच्चों के साथ वरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे अपने राज्य की तमाम बड़ी और खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स।